उत्तराखंड सरकार प्रदेश में उद्योगों के लिए सकारात्मक पहल कर रही है। स्थानीय युवाओं को प्रदेश में लगने वाले उद्योगों में 70% रोजगार मुहैया कराने की प्रदेश सरकार की पहले से ही पॉलिसी है। सचिव पंकज पांडे ने कहा कि हम प्राइवेट इंडस्ट्री के लिए स्टेट की पॉलिसी ला रहे हैं। इसमें कोई इंडस्ट्रियलिस्ट 30 एकड़ के आसपास जमीन पर कोई इंडस्ट्री लगा रहा है तो सरकार अलग अलग मदों में उस उद्योग को सहायता देगी। देखिए, प्राइवेट इंडस्ट्रियल स्टेट की पॉलिसी हम लोग ला रहे हैं, उसका ड्राफ्ट रेडी कर लिया हमने। उसमें यह है कि अगर 30 एकड़ के आसपास का अगर पूरा लैंड एरिया होता है, उसमें कोई प्राइवेट प्लेयर एक नया इंडस्ट्रियल स्टेट बनाना चाहता है, तो राज्य सरकार की तरफ से उसको अलग अलग चीज़ों के लिए मदद की जाएगी। और ये प्रयास हम लोग करेंगे कि वहाँ पर सुचारू रूप से जो इंडस्ट्रीज आए वो काम कर सकें। वही माइनिंग को लेकर सचिव पंकज कुमार पांडे ने कहा कि 1 अक्टूबर से प्रदेश में माइनिंग की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि इसके लिए पहले से ही तैयारियां कर ली गई हैं। पिछले 3 महीने से माइनिंग पर रोक लगी थी, अब इसके लिए कई बैठकें हो चुकी हैं। जिला स्तर पर और निगमों के लिए पहले से ही निर्देश जारी किए जा चुके हैं। माइनिंग को लेकर क्या स्थिति है और कब से आप लोग खोलने जा रहे हैं? देखिए, माइनिंग 1 अक्टूबर से प्रारंभ कर ली जाएगी, क्योंकि 3 महीने की रोक रहती है, वो खत्म हो रही है। मेरे द्वारा इस संबंध में बैठक की जा चुकी है, आज भी एक बैठक में कर रहा हूँ। इसमें सभी तैयारियां जो की जाती हैं पहले जनपद स्तर पे और अलग निगमों के स्तर पे, उस पर डायरेक्शन जारी किए जा चुके हैं। और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि 1 तारीख से सुचारू रूप से हर जगह पे जहां पे लीगल पट्टे जहां अलॉटेड है वहां पे माइनिंग शुरू कर ली जाए।